Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So guys, अभी क्या था कि रिजल्ट वगैरह की वीडियोस लोगों ने बहुत डाली थी और मुझसे भी बहुत लोग बोल रहे थे कि आप रिजल्ट के ऊपर वीडियो डालो, ठीक है. सो गाइज, आई एम रियली सॉरी कि रिजल्ट के ऊपर मैं वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा बिजी था गाइज उसकी वजह से, ठीक है. तो अभी काउंसलिंग की मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ. काउंसलिंग वैसे मैंने सोचा नहीं था, बट दिस वीडियो इज ऑन स्पेशल डिमांड कि इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज करा कि आप काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बनाओ. उन लोगों के डाउट्स है कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड, तो काफी लोग बोल रहे थे कि काउंसलिंग में कितने राउंड होते हैं, कितना फिर क्या सीन होता है, किस तरीके से लेना चाहिए कॉलेजेस वगैरह. सो काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा स्टफ है जो आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, सकता है कितनी इसमें इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा. कितने स्टूडेंट्स का ऐसा होगा, बट कितने ऐसे होंगे, मोस्टली ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा. सो ऑफकोर्स मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ गाइस, NCHMCT JEE 2020 की काउंसलिंग, ठीक है. सो उस काउंसलिंग के बारे में आपको मैं सारा बताने वाला हूँ गाइस. रिजल्ट आ जाए उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट के बाद का ये सारा प्रोसीजर है कि रिजल्ट के बाद आपको ये चीजें करनी है, ठीक है. सो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है. काउंसलिंग के ऊपर मैं आपको सारा बताने वाला हूँ, और ठीक है, इसमें गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लास्ट में बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें चाहिए होते हैं फॉर वेरिफिकेशन. अगर आप NCHMCT की साइट पर जाएंगे, आप उनका ब्रोचर वगैरह देखेंगे, तो आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मेंशन होगा कि यू नीड टू हैव दिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके वेरीफाई करे जाएंगे काउंसलिंग के टाइम पे. सो काउंसलिंग के टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा. बट हो सकता है अगेन कि आप लोगों में से कितने को पता हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, बट जिन्हें नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा. लास्ट में बताता हूँ कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट काउंसलिंग सेंटर ऑफ NCHMCT, ठीक है. सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना मेरे चैनल का. चलिए देर ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लोगों को पता होगा कि होती क्या, जिन्हें नहीं पता एक बार मैं बताता हूँ. काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को एक रैंक अलॉट हो चुकी है, ठीक है. आप लोगों को एक रैंक अलॉट हो चुकी है, आप लोगों को रैंक दे दी गई है कि लेट से आपकी 5000, 6000, 3000, 500, आपकी जो भी है आपकी रैंक है. अभी क्या होता है, उस रैंक के हिसाब से आपके सामने नंबर्स ऑफ कॉलेजेस होते हैं कि आपको कौन सा डिसाइड करना है. आप क्या करेंगे, आपके सामने चॉइस ऑफ फिलिंग होती है, ठीक है. यानी कि आपको फिल करना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है. अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये जो रैंक होती है ना कि नंबर वन पे ये कॉलेज है, नंबर टू पे, इन टर्म्स ऑफ दिस कट ऑफ कि वन से लेके इतना तक जो है, वन से लेके 500 तक ये कॉलेज है, फिर 500 से लेके आगे तक का ये कॉलेज है. तो आपको क्या लगता है कि ये कौन डिसाइड करता है ये रैंक क्या है, ये आप डिसाइड करते हैं. आप लोग होते हो जो डिमांड बढ़ाते हो, आप लोग होते हो जो डिमांड घटाते हो. सो जब डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है तो वहां पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा बढ़ता ही है, तो आप ही लोग हो जो कॉम्पिटिशन बढ़ाते हो, ठीक है. तो गाइस यही होती है काउंसलिंग की, हम लोगों को अपनी तरफ से 9, 10, 11, 12 इतने जो भी है उसमें होते हैं कॉलेजेस, वो हम लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होती है. हमें बोलना होता है कि ये हमारे 10 कॉलेजेस हैं, ये सीक्वेंस में है, इनमें से हम किसी एक कॉलेज में हम लोग जाएंगे. अब क्या होता है, ऐसे करके हर एक स्टूडेंट कर देगा, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली 32,000 जो है स्टूडेंट्स इस साल अपियर हुए थे NCHMCT JEE 2020 के लिए. अब उस 32,000 स्टूडेंट जो है उसमें से सारे स्टूडेंट्स अपना ऐसे ऐसे करके कॉलेज दे देंगे कि ये हमारा कॉलेज है, ऐसे हिसाब से हमें ये कॉलेज चाहिए, ठीक है. अब क्या होगा गाइस कि उन 10 कॉलेज में से सबसे पहले वो नंबर वन कॉलेज देखेंगे, अगर वो आपके रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा वरना सेकंड, रैंक के हिसाब से नहीं मिलेगा तो फिर थर्ड. उसी तरीके से वो सीक्वेंस चलता रहता है, मतलब कि आपको पहले कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलता तो वो नीचे जाके आपको वाले कॉलेजेस मिलने लगते हैं. सो गाइस ये पूरी काउंसलिंग होती है. अगर आप लोगों को जिन्हें नहीं पता तो पता चल गया होगा काउंसलिंग. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे साथ मेरे कॉन्टेक्ट में थे उन सबको तो मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है हमें हमारा कॉलेज मिल जाएगा जो हम चाहते थे. जस्ट रियली हैप्पी कि उन्हें उनका कॉलेज मिल रहा है. बट आपको भी अच्छी बात है, मिलना पड़ता था. तो वो ये कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, अब आपका सबसे पहले होगा आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा. तो वो लोग आपको लिंक निकालेंगे, कुछ इन्फॉर्म करेंगे, कुछ डालेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा नोटिस वगैरह कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग ऐसे ऐसे करके अपना चॉइस फिलिंग कर दीजिए, ठीक है. सो चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको अपने कॉलेजेस बताने कि आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है. एक बार जब आप लोग अपने कॉलेज बता दोगे फिर आपका आएगा रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, यानी कि फर्स्ट राउंड का जो भी है वो रिजल्ट आ जाएगा. गाइस फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा, ठीक है. अब कितने लोग ये बोल रहे थे कि अगर किसी की रैंक ओपनिंग रैंक से पहले की है तो क्या वो उसमें एडमिशन ले सकता है कॉलेज में, ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं बता देता हूँ. जिसकी रैंक कुछ ओपनिंग से पहले की वो नहीं ले सकता, ओपनिंग रैंक से लेके क्लोजिंग रैंक के बीच में जो आपकी रैंक है आप उसी में ही एडमिशन ले सकते हैं, पहले ज्यादा नहीं, ठीक है. अगर सो गाइस अभी आप लोगों की रैंक आ चुकी है और काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है. अभी क्या होगा, अभी आप लोगों ने रिपोर्ट करी रिपोर्टिंग एट द सेंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स.
सो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो चुका है, आपने वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर दिया, अब क्या होगा, अब होगा विड्रॉल ऑफ सीट। नहीं, आपको सीट दे दी जाएगी उस कॉलेज में जो आपने मतलब चाहा होगा, ऑफ कोर्स जो आपको मिल सकता होगा, ठीक है। तो अब ये होगा विड्रॉल ऑफ दिस सीट। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, यानी कि ऑफ कोर्स जो भी चाहते होंगे बच्चे जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल रहा है, दे शुड बी ग्लैड कि वो जो चाहते थे फर्स्ट राउंड में मिल गया। बहुत जिन्हें फर्स्ट राउंड में हो गया, वरना अब क्या होगा, अब सेकंड राउंड के लिए बच्चों को वेट करना पड़ेगा। सो गाइस, सेकंड राउंड में बच्चों को अपीयर होना पड़ेगा जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत ज्यादा था, मुझसे लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, कमेंट भी करा था, मतलब बहुत लोगों का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको IHM X मिल रहा है 2000 से लेकर 3000 की रैंक के बीच में, IHM X एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको 2000 से लेकर 3000 की रैंक के बीच में मिल रहा है फर्स्ट राउंड में आपको मिल रहा है, सेकंड राउंड में क्या आपको वही सेम कॉलेज मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल रहा है तो आप फर्स्ट राउंड में अगर उसे नहीं लेते हैं तो क्या वही सेम कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिलेगा, तो ये एक क्वेश्चन था। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। अगर आप फर्स्ट राउंड में लाई कर रहे हो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक में आपको मिल रहा है, ठीक है, और अगर आप सेकंड राउंड में भी लाई कर रहे हो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक में, तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप लाई करोगे तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप सेकंड राउंड में भी लाई करोगे तो आपको मिलेगा, अगर वो या तो देखो या तो सीटें फुल हो गई होंगी, अगर सीटें फुल हो गई होंगी तो वो कॉलेज किसी को एडमिशन देगा ही नहीं, वो सेकंड राउंड तक आएगा ही नहीं। अगर वो आता है तो ऑफ कोर्स वो तभी आएगा, या तो वो आगे के बच्चों को देगा मौका, या फिर वो आप वाले बच्चों को मौका देगा। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस कि कितने कहाँ कहाँ के बच्चों ने कितना प्रेफरेंस दिया उस कॉलेज के लिए, तो वो सब उनका सीन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिल रहा था और सेकंड राउंड में आके वो कॉलेज पूरा फुल हो चुका है, और आप लोग चाहते हो कि आपको, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसे किसी को कॉलेज नहीं मिलता। बच्चे पूछ रहे थे, ऐसे कोई आपको कॉलेज नहीं मिलता, एक बार वो गया तो वो गया। अगर उसमें स्टिल उसमें सीटें हैं, अगर उसमें अभी भी सीटें हैं, मतलब वैकेंसी है वहां पर, तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं होगी तो आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस, उसके बाद क्या होगा, अब होगा चॉइस मॉडिफिकेशन फॉर सेकंड राउंड, यानी कि अब आपको सेकंड राउंड में मॉडिफिकेशन करना होगा। अभी आपके सामने क्या होगा कि आपके सामने आपने कॉलेजेस भर रखे होंगे, अब आपको उन कॉलेजेस में से लिस्ट वाइज देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। सो गाइस, अभी क्या होगा कि अभी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक है यार, ये कॉलेज तो मिल ही नहीं रहा है, इसे फर्स्ट रैंक से हटाकर इस कॉलेज को रख देता हूँ। सो आपको अपने कॉलेज को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि आपको मतलब कंफर्म हो कि हाँ ठीक है, ये तो मिल ही जाएगा। सो यस, जो सेंटर आपको अलॉट होगा उसी सेंटर पे जाके आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है, आपको वहां पर जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो भी सीन है, फॉर्मलाइजेशन जो भी है, वो सब आपको भरना पड़ेगा पूरा। एंड होगा क्या, वहां पर वो लोग आपको और भी चीजें बताएंगे आपको जो करने पड़ेंगे उस टाइम पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है वो आती है हॉस्टल प्रेफरेंस। सो आपको हॉस्टल प्रेफरेंस अपना देना पड़ेगा, यानी कि वो कॉलेज है वो आपसे पूछेगा कि क्या आप हॉस्टल में इंटरेस्टेड है। तो अगर आप हॉस्टल में इंटरेस्टेड है, आप बोलेंगे हाँ नहीं है, तो बोलेंगे ना। अब वो लोग देखेंगे कि कितने बच्चे हॉस्टल में इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से वो रैंक हो गई, ठीक है, जिनके रैंक ऊपर ऊपर की होगी और जितनी हॉस्टल की सीटें होंगी, रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होगा, इन सब फैक्टर्स के बेस पे बच्चों को हॉस्टल अलॉट कर देंगे। सो हॉस्टल भी थोड़ा टाइम बाद वो लोग बता ही देते हैं, कमेंसमेंट से तो पहले ही बता देते हैं जो भी हॉस्टल होता है। तो ये था फिजिकल रिपोर्टिंग का सीन, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट सही होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जो लोग इसका वेट कर रहे थे वो चीज आ गई है। डॉक्यूमेंट्स आप लोग ध्यान से सुनना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होंगे। NCHMCT स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, मतलब कि जो आपके रैंक है ऑफकोर्स उसका फोटोकॉपी। एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, अपना 10th 12th मार्कशीट आपको चाहिए होगी। बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि ऑफकोर्स कि आप फिट हैं कि नहीं, या और भी बहुत चीज़ होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो सब है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आप वो कर लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपकी OBC से बिलोंग करते हैं आप, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल, ठीक है। तो जनरल वाले के तो कुछ होते ही नहीं है, वरना जो कैटेगरी वाले लोग हैं दूसरी कैटेगरी वाले, SC ST OBC, उन सबको देना पड़ेगा अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी मतलब ऑफकोर्स जो डिसेबिलिटी यानी कि जिनका फिजिकली है डिसेबल्ड है ना, तो उन लोगों को देना पड़ेगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। नंबर 7 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, एंड नंबर 8 फोटो आईडी प्रूफ, फोटो देनी पड़ेगी गाइस। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको और चाहिए हो, ठीक है, बट उन लोगों ने तो अभी तक ये मेंशन कर रखे थे। और भी कुछ होता है तो मैं नोटिस वोटिस डाल दूंगा कुछ, ताकि लोगों को इन्फॉर्म हो जाए। तो गाइस ये हो गए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि वेरीफाई कर जाते हैं, और ये हो गया पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर कि ये काउंसलिंग का प्रोसीजर है। सबसे पहले इस तरीके से आपके राउंड्स होते हैं, ऐसे करके फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, लास्ट में जाके आपको कॉलेज मिल जाएगा। सो गाइस आई होप कि जिन लोगों को काउंसलिंग के बारे में नहीं पता तो उन्हें पता चल गया काउंसलिंग का क्या क्या सीन होता है। सो गाइस मुझसे कितने लोग ये भी बोल रहे थे कि मुझे जो अच्छा मिल रहा है वो अच्छा नहीं है, मुझे जो ऐसा अच्छा मिल रहा है वो अच्छा नहीं है, तो मैं लूँ या ड्रॉप कर दूँ। तो गाइस ड्रॉप करने से तो अच्छा है कि यार ले लो, मैं तो ये बोलूँगा कि देखो HM मोस्टली सारे अच्छे होते हैं, SIHM में सारे अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप कॉलेज ले लो, ड्रॉप करने से तो अच्छा ही है कि यार कॉलेज ले लो, ड्रॉप क्यों करोगे। तो ड्रॉप मत करना, ले लेना सबसे बढ़िया तो वही रहेगा, ठीक है।
सो गाइस आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।